आज अवैध शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाते हुए अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक हेमेंद्र सिंह को मिली कामयाबी। 23 सीसी अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। बता दें कि लॉकडाउन में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ऐसे में अवैध शराब का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा था। अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक हेमेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि अतरौलिया के बाजार में एक व्यक्ति द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। गिरफ्तार हुए व्यक्ति के पास से 23 सीसी अवैध शराब बरामद हुआ। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति संदीप मदेसिया पुत्र अच्छेलाल मदेसिया निवासी पकवादी थाना अतरौलिया के रूप में हुई। आज सुबह हमारे और एसडीएम साहब और इंस्पेक्टर अतरौलिया इस संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई, तो नंदना में एक संदीप मदेसिया सनप अच्छेलाल मदेसिया जो बाजार में 23 सीसी देसी कच्ची दारू के साथ इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके इनके उचित धाराओं में इनका चालान किया जा रहा है और लगातार ये छापेमारी चल रही है। जहां भी इस प्रकार की कोई शिकायत मिलेगी हम लोग भ्रमण सेल हैं और भी कोई प्रकाश में आते हैं तो उनको पकड़ा जाएगा। सर दारू की बिक्री को देखते हुए इसमें आबकारी के इंस्पेक्टर और हमारे द्वारा एसडीएम साहब के द्वारा और पुलिस थाने के सभी कर्मचारी अधिकारी सब भ्रमण सेल हैं कि किसी प्रकार थाने क्षेत्र में कोई ऐसी कच्ची दारू न बिके जिससे लोग पी करके किसी की जान जाए, तो इस पर लगातार नज़र बनाए रखा गया है और कहीं भी किसी प्रकार की हुई दारू ऐसी बिक नहीं रही है।